आप में से आधे लोग को पता होगा और आधे लोग को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको शूज और कपड़े बहुत पसंद है। आज की जनरेशन में ये सब चीजें किसको नहीं पसंद। तो अगर कोई मुझे शूज और कपड़े गिफ्ट करता भी है तो मैं उसको ना नहीं कहूंगा। तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से जो मेरे जितने भी कपड़े वो पूरे पुराने हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। कपड़ा कुछ भी नहीं है मेरे पास कुछ नया पहनने को। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मेरे को नए नए कपड़े ट्राई करने में, उसको पहनने में बहुत ही मजा आता है। बट अभी क्या है कि ये लॉकडाउन की वजह से सब दुकान बंद है, शूज के दुकान बंद है, कपड़े की दुकान बंद है, मैं कुछ भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। एंड ये सब अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इन अदर ब्लॉग। और बताओ कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज भी हम दलिया बना रहे हैं, कॉज आपको मैंने बताया था कि दो पैकेट थे और ये इसमें थोड़ा सा बचा था, बट ये पूरा खत्म हो गया। फिर हमने दूसरा पैकेट खोल लिया। इसे खुला रखना है उसको। और क्या? ओके सो गाइस, ब्रेकफास्ट में सेम एज ऑलवेज हमारा ये दलिया, बॉइल्ड चिकन, चिकन सॉरी अपना ये दलिया और बॉइल्ड चिकन सॉरी बॉइल्ड एग। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सागर दाई एंड जिनको भी वैसा पति चाहिए जो खाना बनाए उनके लिए तो प्लीज डीएम। और कोई तो लड़की ने असली में डीएम किया था ना आपको? हाँ यार, मतलब कॉन्फिडेंस की मैं दाद देना चाहूंगा यार, अच्छे से फोटो पूरा बायो फिर। अच्छा, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल जिन्होंने मतलब इतना हिम्मत आके भेज ही दिया अपना प्रोफाइल। नाइस। मैंने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बात कर दी। ये याद रहेगा। चलो मजाक था एक। डर गए। मजाक था, खत्म हो गया यार प्लीज। गाइस अब रिवेंज देखते हैं। हम दीदी ने कर दिया अपना काम, सागर नहीं आती है। अभी सागर दाई की बारी है भाई, खत्म। लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। दोस्ती डर चालू हो चुका है। आओ ले आओ, क्या रुक जाओ बस थोड़ा देर। A few moments later, finally revenge. देख रहे हो? ओह दीदी के चेहरे पे इतने दिनों बाद डर। डाल दो। नहीं यार नहीं डालता, छोड़। बच गई दीदी तू। जस्ट एक मैं डर देखना चाहता था। डर वाली बात नहीं, अभी रेडी हुई ना वीडियो के लिए। साफ साफ। もう死んでいる。何？もうだくれ。मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये कर्म होता है कर्मा। आई थॉट कि प्रैंक बढ़िया जाएगा दीदी को दीदी को हंसी आएगी, बट दीदी का काम बढ़िया। तो मैंने अपनी दीदी का भी काम बढ़ा दिया बेचारी, उसको खुद का एक वीडियो भी शूट करने का था, बट अभी उसने कर लिया है एंड उसका पूरा शूट हो गया। देन अभी मैं बना रहा हूँ अपना। ये ना गाय ना मतलब सुबह से लिटरली परेशान करे जा रहा है, वीडियो बनाने नहीं दे रहा। वर्षा दीदी वही चारा खा के आ गई ना उसका सुबह। तो मैंने सागर भाई को प्रैंक किया एंड भाई मतलब मजा आ गया। एंड बाकी जितने भी हमारा जो बेड वगैरह है वो भीग गया, तभी तो पिटते ही लोग ऐसे नहीं। प्रैंक के चक्कर में बेड भिगा दिया, अब उसको सुखाना भी पड़ेगा। और हाँ डरो मत, ये मैंने फेस पैक लगाया, वो भी होममेड। अगर आप लोग को भी लगाना है तो वॉच दिस रेमेडी। और हाँ ये स्पॉन्सर नहीं है। चंडीगढ़ से आ रहे थे तो लेके आ जाते यार चप्पल, मुझे बाथरूम का चप्पल पहनना पड़ रहा है। ओके सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुछ फ्रूट्स लेने, बिकॉज फ्रूट्स भी खत्म हो चुके हैं। एंड देखते
ये गाय यार कसम से यार इसको बोलना पड़ेगा यार। ओ भाई सेब दे दो, सेब कितने का है? सेब बेटा 250 रुपए किलो है। 250? 250? हाँ। सेब रहने देना, वो यार ज्यादा है बहुत। अच्छा और केले कितने का है? केले जो 60 रुपए वो 50। आम कितने का है? आम 80 रुपए। 80 साठ में लगाओगे? 60 में लगा दोगे आम? नहीं की हाँ कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा ना आप ऐसा वो करके। ओके सो गाइस हमने सिर्फ केले लिए, हमारा प्लान था कि सेब भी लेंगे, बट सेब तो भाई माशाल्लाह इतना हाई, लॉकडाउन में भी प्राइस इतने हाई हो गए, बट हम इनको भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते बिकॉज इनकी भी मजबूरी है। लेट्स सी देखते आगे कहीं मिल गया तो वहाँ खरीद लेंगे, है ना भैया। आम कैसे दिए? 70? वो भारी है। हाँ दो आराम से, आराम से। तो गाइस हम आ चुके हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके। क्या आम कितने का है? आम आए 90। ये खीरा क्यों लाया? खाने के लिए लाया है। सोना चाहिए ना दीदी के, हेल्प करूँ ऐसे करूँ वो करूँ ना। तमीज ने यार ये वीडियो बनाते हैं, पता है क्या लोग बोलते कितना भाषण देती है। भाषण नहीं देती यार, एक्चुअली हुआ ये, बरसाती का एक बच्चा गया है किचन में तो एक चूहा गया है, तो वही दीदी डर रही है, बोल रही है मैं नहीं बना रही, मैंने इतना खाना बनाया दाल और वो। तो क्या है कि सागर दाई और मैं सोयाबीन खाते हैं उबलावा, तो वही दीदी को बोल रहे कि बना दे करके, तो बना नहीं रही है, डर रही है। कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। मैंने एक्सरसाइज भी किया प्लस खाना भी बनाया, इन लोगों को होना चाहिए ना कि हाँ दीदी इतना काम कर रही है, तो एक सोयाबीन उबाल दी। ना तो होता है ना कभी होगा, तुम दोनों का ऐसा मन करता है कभी कभी खड्डा खोदो तुम लोगों से डाल दो। सपने तो बहुत अच्छे हैं। सपने अच्छे हैं। चल दीदी यार बनाई दी यार, बहुत तेज भूख लगी।